शासन पते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारी चर्चा श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चल रही है। सभा में उपस्थित बंधुओं को मैं बताना चाहूंगा, जैसे श्री कृष्ण की वाणी गीता है, जैसे बुद्ध की वाणी धम्म पद पुस्तक है, ग्रंथ है, इसी तरह है भगवान महावीर की वाणी उत्तराध्ययन सूत्र है। हम पिछले काफी दिनों से उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का अर्थ है उसमें क्या कहा है, क्या लिखा है, क्या बताया है, ये सब बातें हम कहने का, समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, इस उत्तराध्ययन सूत्र के नौवें पाठ में एक कथा है। वो कथा है कि एक राजा वैराग्य से प्रेरित होकर साधु बन गया। उस राजा का नाम नमिराज था। बंधुओं, ये बात दुनिया के लिए बड़े आश्चर्य की हुई। और देखो, एक राजा सन्यासी बन गया, उसने सारे राजपाट सुख परिवार सब छोड़ दिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये आश्चर्य देवों के राजा इंद्र को भी हुआ। उसने देखा कि आज धरती पर क्या हो रहा है, बड़ा शोर सा बना हुआ है, क्या है। तो उसने देखा एक राजा साधु बन गया। ये साधु क्यों बना, भाइयों समझ रहे होगे बात को।
ये साधु क्यों बना, चलो देखते हैं, पूछ कर आते हैं। तब देवों के राजा इंद्र इस धरा पर आए, मैं पहचाना न जाऊं, इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया और वे एक ब्राह्मण का रूप बना करके उन राज ऋषि, राजा से जो ऋषि बने, उनके सामने आए और उनसे कई सवाल पूछे। भाइयों, मैं आपसे पूछूं, जब आपके नगर में कोई नया साधु आ जाए या कहीं आपको कोई संत मिल जाए, आप भी पूछ लेते, महाराज क्या नाम है? भाई ये नाम है। कहाँ से आए हो जी? भाई वहां से आए। अच्छा, महाराज जन्म कहाँ का है? हालांकि फिजूल का प्रश्न है, फिर भी पूछ लेते लोग, महाराज जन्म कहाँ का है? साधु मूड हो तो बता दे, नहीं तो भाई क्या लेना। चलिए, महाराज आपके गुरु कौन है? प्रश्नों की एक श्रृंखला लाइन से बन जाती है। इंद्र ने भी कई एक प्रश्न पूछे। आज जो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा वह उनके एक प्रश्न की चर्चा है, और वो क्या चर्चा है आप समझना उसको। अच्छेरग मभूदय भोए चैसी पथिवा ऐसंते कामे पथे से संक पीण विहमसी। बड़े ताज्जुब की बात है भाइयों, देखो कैसे पूछते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। आप जो प्राप्त सुख हैं, क्या कह रहे हैं? जो प्राप्त सुख हैं उनको तो छोड़ रहे हो। अब प्राप्त सुखों की तो कोई कमी नहीं, जब राजा ही थे, बताओ कौन से सुख की कमी होगी? जो प्राप्त सुख हैं उनको तो आप छोड़ रहे हैं, और ऐसंते कामे पथे सी, जो प्राप्त नहीं है उनके कामना कर रहे हो। क्या चीज? जैसे कि देवलोक है, भाई मनुष्य यहां की तो चिंता परवाह करता नहीं, देवलोक की चिंता करता, स्वर्ग मिल जाए। भाई हरियाणा के भाई बैठे, स्वर्ग को सुरग कहते हरियाणा में, बस सुरग था जे हमने, भाई ये सबसे बड़ी बात है, मर के स्वर्ग में चले जावे ये मन के अंदर रहती है। वो बात यहां भी कह दी, जो उपलब्ध है, राज सुख घर परिवार सारी चीजें, इनकी तो आपने परवाह नहीं करी, ये तो छोड़ दिए, और जो प्राप्त नहीं है उन स्वर्गों की तुम इच्छा कर रहे हो, उनकी कामना कर रहे हो। ये तो बड़े भारी आश्चर्य की बात है। बताओ, जो प्राप्त है इनका भोग करो, खाओ पियो, जो भी कुछ है संसार में सुख उनको भोगो, और स्वर्गों के बाद क्या करनी, छोड़ो उन्हें। जो प्राप्त है उसका उपभोग करो। प्रश्न समझ में आ गया आपके भाइयों कि जो प्राप्त है इसका उपयोग करो, और जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना मत करो, छोड़ो उसको, उसकी क्या कामना करनी, प्राप्त का उपभोग करो। अब इसका जवाब देखो उन मुनि ने क्या दिया। वे कहने लगे, मुझे तो न इस धरती के सुख चाहिए, न मुझे स्वर्गों के सुख चाहिए,
मैं तो ये कामना कर रहा कि मुझे स्वर्ग के सुख मिले, मैं तो नहीं ये कामना कर रहा। ये तो तुम कह रहे हो कि तुम इनको छोड़ो, उनको चाह रहे हो, न तो मैं इनको चाह रहा। जो इस समय प्राप्त है, न तो मैं इनको चाह रहा और न मेरी स्वर्गों के सुखों की कामना है। तो फिर वो कहते हैं, मैंने तो संसार के सुखों को, संसार के भोगों को शल्य कांटे के समान समझा है। कैसे? सलंकामा विसंकामा कामा आसी विसोवमा कामे ये पत्थे माणा ए कामा जंती दुख गई। ये जो संसार के सुख हैं, ये कांटे के समान है। मैंने इनको कांटे के समान समझा है। मैं ना यहां वाले चाहता, ना मैं वहां वाले चाहता। मैंने तो कांटे के समान समझा है। और सुनो, मैंने इन सुखों को जहर के समान समझा है, विषंग विष के समान समझा है। अगर ये पता चल जाए ये जहर है, कोई आदमी खाएगा? बिल्कुल भी नहीं खाएगा। मैंने तो ऐसे समझा। तो जो कांटे के समान है, जहर के समान है, और जिसके खाने से मौत हो जाए, मेरी तो संसार के सुखों की कामना इच्छा है ही नहीं। जरा ये बात समझ लो, जहर की भी और कांटे की भी। कांटे की बात तो ये है, आपने कभी देखा हो, न देखा हो तो भी अच्छा है, कोई अच्छी चीज नहीं है। मछलियां पकड़ने वाले लोग एक लोहे का कांटा बनवाते हैं, कभी देखा हो ना देखा हो, वो ऐसे ऐसे होता है, टेढ़ा सा होता है, उसका रस्सी बांध देते हैं, पतला सा मजबूत सा धागा, और उस कांटे के, जो लोहे का कांटा ऐसा मुड़ा हुआ है, उसके आटा लगा देते हैं, और आटा लगा करके उसको पानी में फेंक देते हैं। मछलियां आती हैं, चक्कर काटती हैं, देखती हैं। मछली चबा करके नहीं खाती, उनका अपना शरीर का ऐसा है, वो सटकती हैं। उस आटे को देख करके वो मछलियां उसको खाना चाहती हैं, और जब उनका ठीक सा मौका बनता है तो उसको एकदम से सटकती हैं। अब उनको ये तो नहीं पता कि आटे के पीछे क्या है। भाइयों बहनों, वो नहीं जानती इसके पीछे कांटा है, वे तो आटा देखती है और उसको सटकती है, पर वो आटे के पीछे कांटा होता है, जैसे सटका उनके गले में जाकर यूं फंसता है वो, और फिर वो ऐसे करके तड़पती है, निकालना चाहती है, उनका गले में ऐसे लग जाता है, हुक होती है ना ऐसे, जहां वो हिली उसने बाहर निकाल लिया, मर गई बेचारी। आटा उनका खाद्य है, खाना है, लेकिन उस आटे के साथ कांटा लगा हुआ है। ये बात यहां कही शास्त्र में, सलंकामा विसंकामा, संसार के सुख जो है ये कांटे के समान, ऊपर से तो सुख है, अंदर से जो है ये इनमें कांटा छिपा हुआ है। उसके अंदर, कांटे के अंदर जीव लालच में फंसते हैं और फिर इसी तरह से तड़प करके मरते हैं, ये स्थिति है। और बंधुओ, रही बात विष की, जहर की, बहुत सारी चीजें, एक नाम आता है शास्त्र में, किम पाक फल, फल तो फल है ही, नाम किम पाक है। वो एक फल होता है जंगल का, जो देखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन विष वाला होता है,
कोई आदमी उसको तोड़कर खा ले, खाने में भी स्वादिष्ट होता है और खा ले जहरीला होता है, थोड़ी देर में आदमी तड़प के मर जाता है। तो खाने में स्वादिष्ट था लेकिन परिणाम उसका, परिणाम जहर था। परिणाम कैसा बताया भाइयों, बोलो, परिणाम जहर था। अब ये बात तो शास्त्र की है या यूं को किताबों की है। हम गए बड़ौदा गांव में, हरियाणा का गांव है, कई बार जिक्र भी आता बड़ौदा का, बड़ौदा के भाई भी बैठे हुए। बड़ौदा गांव में गए, वहां हम जैसे बाहर जाना होता था जाते थे, पांच सात भाई भी साथ होते थे। एक जगह एक छोटा, मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं, थोड़ा सा छोटा ही था, पेड़ आया। भाई खड़े हो गए, बोले महाराज आपको एक चीज दिखाएं। मैं, दिखाओ भाई, क्या दिखाओगे, दिखाएं, मैं दिखाओ। बोले ये देखो। मैं, क्या देखे, पेड़ है? बोले आज यही तो दिखाना चाह रहे थे हम। तो वहां क्या बात? बोले जी गांव के काजू हैं। बोले शहर के काजू तो देखो जी, आप गुरु हो, हमारे समझाने बताने के लिए कह रहे हैं, शहर के तो आपने खाए होंगे पर गांव के काजू ये है। मुका अच्छा, मुका भी होते होंगे, चलो। मैंने कोई खास बात, हंस पड़े। बोले खास बात कोई, खा लेना, इसे जान छुटानी मुश्किल हो जाए।